हेलो गाइस, वेलकम टू डे एफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि दो दिन पहले आरआरबी पीओ का मेंस का जो कट ऑफ है वो रिलीज हुआ है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ रिलीज होने के बाद बच्चों से एक बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि सर इतना लो कट ऑफ कैसे जा सकता है, ठीक है, इसका रीजन क्या क्या है। तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट अगर मैं बोलूँ ये जो कट ऑफ है, मुझे लगता है ये कट ऑफ नहीं, एक धोखा है। आप बोलोगे सर इतना लो कट ऑफ गए वो तो अच्छा ही है। देखिए, कोई चीजें अगर हद से ज्यादा अच्छा होता है वो डाउटफुल होता है, अगर हद से ज्यादा वो बुरा होता है वो भी क्या होता है, डाउटफुल होता है। और ये क्या है, हद से ज्यादा कमती है। बिकॉज लास्ट टाइम जहां पे कट ऑफ नियर बाय 90 प्लस 100 प्लस था कट ऑफ, इस बार वहां पे 70 60 प्लस कट ऑफ है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं दो दिन से थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था, तो कुछ कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट को थोड़ा ध्यान से जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, इस बार टोटल अभी तक जो वैकेंसीज है वो है 2560, ठीक है। इस हिसाब से अगर इंटरव्यू के लिए बच्चे सिलेक्शन होना चाहिए था 1:3 का रेशियो में, ठीक है। लेकिन मेंस का जो कट ऑफ रिलीज हुआ उसके साथ साथ और एक भी पीडीएफ रिलीज हुआ है, जहां पे जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए वो सारा बच्चे का रोल नंबर वहां पे मेंशन था, ठीक है। वहां का अगर मैं सारा कैंडिडेट का ओवरऑल बोलूं, टोटल 13,444 था। दैट मींस यहाँ पे नियर बाय 1:5 का रेशियो में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अभी आप लोग पूछो सर पॉजिटिव क्या है, ठीक है। पॉजिटिव ये है कि जब फाइनल रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर होगा तब कहीं ना कहीं माइट भी आप लोगों का वैकेंसी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर बढ़ता है तो उसी हिसाब से ये ज्यादा कैंडिडेट लिया गया है। अगर उस टाइम में वैकेंसी बढ़ता है तो इसको 1:3 करने के लिए नियर बाय आप लोगों को 4,000 वैकेंसीज का रिक्वायरमेंट होगा, तो नियर बाय वैकेंसी 1500 वैकेंसी इंक्रीज होना पड़ेगा, जो मुझे लगता है उतना ज्यादा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये थोड़ा सा डिमेरिट है आप लोगों के लिए कि कॉम्पिटिशन ज्यादा रखने के लिए, कॉम्पिटिशन को ज्यादा करने के लिए बच्चे ज्यादा लिया गया है, 1:3 की जगह 1:5 लिया गया है। अभी जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सर मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मेरा तो अभी मेन से कट ऑफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जहां पे आप प्रीवियसली 1:3 एक तीन बच्चे के साथ आप कॉम्पीट कर रहे थे, आप वहां पे पांच बच्चे के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे कॉम्पिटिशन लेवल अभी ज्यादा है, ठीक है। ये तो एक पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कुछ बच्चे का डाउट ये भी है कि सर मेरा दोस्त है या मैं खुद हूं, मेरा अटेम्प्ट उतना बुरा नहीं था लेकिन मेरा मेंस इतना लो कट ऑफ जाने का बावजूद भी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है। और ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि बहुत बच्चों से जो मैंने बात किया है, कुछ कुछ बच्चे का अटेम्प्ट 100 प्लस था। और वो बच्चे ऐसे नहीं है कि वो बच्चे इमेच्योर है या तुक्का मार दिया या वैसे नहीं, सूझबूझ वाले बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों का कट ऑफ, उन स्टूडेंट का कट ऑफ 60 या 65 गया है, स्टिल बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सोचने वाला बात है। जब मैंने ये इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस किया, मैंने 4-5 बच्चों का मार्कशीट जो होता है ना, आप लोगों का जो मार्क आया, उस मार्क को जब मैंने एनालिसिस किया, बच्चों से कहना था कि सर मैंने रीजनिंग में 21 अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे 19 क्वेश्चन का मुझे सही मार्क्स मिला। तो मेरा यहाँ पे एक डाउट है, अगर मैंने 21 क्वेश्चन मैंने गलत किया है, 21 क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो मुझे 19 कैसे मिल सकता है। अगर मेरा दो गलत होता है तो मुझे तो 18.5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर 1.25 से मल्टीप्लाई होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मुझे मिलेगा। लेकिन उस बच्चे को 19 क्वेश्चंस के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला है, ठीक है, जो मैंने मार्कशीट में देखा है। सिर्फ ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बच्चे का ऐसे भी था कि मैंने 25 अटेम्प्ट किया है मुझे 22 मिला है। तो ये कहीं ना कहीं पर लगता है कुछ तो हुआ है जिसके कारण आप लोगों का मेंस का मार्क्स क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेंस का जो कट ऑफ क्या हो वो थोड़ा सा कमती देखने को मिला है। इसके लिए अभी करना क्या है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 90 प्लस मिलना था, मुझे 80 प्लस मिलना था, मुझे 100 प्लस मिलना था, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको जो भी मार्क्स मिलना था आप लोगों का हिसाब से, आप उसे 10 से 15 नंबर घटा दीजिए, 10 से 15 नंबर घटा दीजिए। अभी आप बोलोगे सर क्यों, मान लीजिए कि यहाँ पे उन बच्चों का जैसे कहीं ना कहीं तरीके से मार्क्स थोड़ा कमती देखने को मिला है, ठीक, थोड़ा कमती उनको आया है, मान लीजिए कि उस हिसाब से आपका भी अगर मार्क्स कमती हो, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए हो आपका मार्क्स वहाँ पे कमती है, तो अगर आप 100 प्लस आपको सपोज मिला है, ठीक है, अगर आप 100 प्लस
सोचोगे तो आपका माइंड में क्या आएगा कि मेरा तो 100 प्लस है और मेरा स्टेट का कट ऑफ, मान लीजिए मेरा स्टेट का कट ऑफ 70 है, तो मेरा तो 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो 30 मार्क्स ज़्यादा होना मतलब आपको कहीं ना कहीं आप फाइनल सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा नियर बाई हो। अगर आपको इंटरव्यू में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स भी मिलता है तो आपका क्लियर होने का 100% चांसेस होगा, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करोगे, है कि नहीं है? थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो इससे बेहतर अगर आप ये सोच लें कि मेरा 15 मार्क्स मुझे मिला ही नहीं, मैं 85 ही मान के चलूंगा, तो आप अगर मान लीजिए आपका स्टेट कट ऑफ 70 है, अगर आप 85 मान के चल रहे हो तो आपको क्या लगे 15 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आपको एफर्ट दोगे कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। उस टाइम में अगर सच में अगर आपको 85 भी मिलता है देन आपका अच्छा है, अगर आपको 85 नहीं भी मिलता, आपको 100 ही मिलता है, तो वो तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपको सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर मैं थोड़ा सा कम थी मार्क्स सोच लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये थिंकिंग ना आए। इसीलिए मैं पहले से आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी स्कोर आप लोगों को लग रहा है कि मिलने वाला है, वो स्कोर से 10 या 15 मार्क्स अपना मन से घटा के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, ताकि इंटरव्यू में आप बेस्ट दे पाओ एंड आपको वहाँ से बेस्ट आउटकम आ जाए एंड आपका सिलेक्शन का चांसेस और भी ज़्यादा और भी पक्का हो जाए, ठीक है? तो मैंने 2 दिन का एनालिसिस है, मैंने यही चीज़ों को मिला है, तो इसलिए यही चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगा बच्चों के लिए शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा एंड आप लोगों को बेनिफिट भी होगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।